कांकेर शहर के समाजसेवी संस्था हौसला फाउंडेशन के युवाओं ने आज शहीद भगत सिंह चौक पर मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर के बुजुर्ग रिक्शा चालक मोहम्मद भाई के हाथों से अन्नपूर्णा भोजन सेवा का शुभारंभ किया गया और बुजुर्ग रिक्शा चालक मोहम्मद भाई को कपड़ा देकर संस्थान के द्वारा सम्मान भी किया गया। साथ ही संस्था के सदस्य खेम नारायण शर्मा ने बताया कि शहर में किसी काम से ग्रामीण अंचलों से आए लोग हो या कोई भी व्यक्ति जो होटल में अधिक दाम पर भोजन न कर पाए और खाली पेट भूखे प्यासे लौट जाते हैं, जिसे देखते हुए संस्थान के द्वारा ऐसे लोगों की भूख मिटाने के लिए निःशुल्क भोजन प्रदान कर रहे हैं, जो कि अभी शुरुआती दौर में शहर के पुराने बस स्टैंड शहीद भगत सिंह चौक में भोजन बनाकर लोगों को निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल अभी हर सप्ताह के प्रति गुरुवार को ही सेवा दे रहे हैं, जिसके कुछ दिनों बाद यह सेवा जिला अस्पताल में भी शुरू की जाएगी। वहीं भोजन करने पहुंचे लोगों ने इस संस्था के लोगों को धन्यवाद भी दिया। ये जो भोजन सेवा की शुरुआत की गई है, कैसी पहल मानते हैं? तो आज कैसा भोजन था आपको, कैसा लगा भोजन करके? तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा भोजन। तो लोगों को क्या फायदा होगा इससे? अच्छा फायदा होगा, भोजन सेवा पेट भर के खाए, खाना ठीक लगे सका। अच्छा, आज आपका सम्मान भी किया गया और आपके द्वारा जो है आज इसका शुभारंभ किया गया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया लग रहा है। तो ऐसी पहल और होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। तकरीबन यहाँ पे जैसे लोग आते हैं काफी भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप यहाँ पे आकर? तो चलना ही चाहिए, बाहर वाले आएंगे तो उसके लिए ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि भूख सबको लगती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी प्राणी हो, भूख सबको लगती है। तो जैसे कई लोगों को हमने ये देखा है कि इतने दूर आते हैं शहर में और शहर में आने के बाद उनको सस्ता खाना नहीं मिल पाता है, तो सस्ता खाना नहीं मिल पाता है तो वो या तो नाश्ता करके चले जाते हैं या तो फिर उस लायक जो उनका बजट रहता है उस हिसाब से वो कुछ भी खा के चले जाते हैं। तो हमारे एक संस्था के सभी सदस्यों के मन में एक वो उठा कि भाई क्यों ना हम ऐसी सुविधा करें कि लोगों को हम खाना मुहैया करा सकें और खाना मुहैया कराकर उनका भूख मिटा सकें। और उसी उसमें हम लोगों ने सब ने फैसला किया है कि हर सप्ताह के हर गुरुवार को हम एक दिन के लिए अभी यहाँ पर खाना उपलब्ध कराएंगे लोगों के लिए, और अगर भविष्य में हमें अच्छा सहयोग मिलता रहा और ये आगे चलता रहा तो इसको हम प्रतिदिन भी इस तरह की सेवा देने के लिए तैयार हैं। आज से आपने चालू किया है, कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं इस सूचना मिलते हैं? अभी देख सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमारे शुरू करते ही, शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही यहाँ पर लोग भोजन ग्रहण करने के लिए यहाँ पर बैठे थे। तो और इसके लिए कहीं और स्टॉल लगाया जा रहा है? इसके बाद अभी तो पुराना बस स्टैंड पर ये स्टॉल लगा हुआ है, इसके बाद हम चाहेंगे कि जो अस्पताल में मरीज के साथ जो परिजन आते हैं उनके साथ भी ऐसे ही स्थिति होती है कि कई गरीब मतलब आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं रहती, ऐसे मरीजों के परिजन जो है उनको भी खाना सस्ते में नहीं उपलब्ध हो पाता, तो वहाँ मरीजों के परिजनों के लिए खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इससे जुड़े? हम यही चाहेंगे कि शहर की जनता हमें खूब प्यार दे, स्नेह दे और हमारा भरपूर सहयोग करे इस नेक कार्य में। हम उनके आभारी हैं।